हेलो हेलो, वेलकम टू द वीडियो। देखो मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है अर्पित बान खड़े। मैं एक वेटनरियन हूँ, मैंने बीवीएससी एनएच की डिग्री करी है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले कि गारंटी क्या है जॉब की इंडिया में अगर आपने वेटनरी कोर्स कराए तो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो मेरे से रेगुलरली पूछे जाते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट होते हैं क्या सर, वेटनरी करने के बाद क्या हमारे कैंपस प्लेसमेंट होंगे, जैसे कि इंजीनियरिंग में होते हैं और दूसरे कोर्सेज में कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, तो क्या इस तरीके से वेटनरी में भी कैंपस प्लेसमेंट होते हैं क्या, तो इसी बात पर हम आज बात करने वाले हैं। और ये भी हम बात करेंगे कि बीवीएससी एंड एज क्या एक सिंपल कोर्स है, इजी कोर्स है, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोर्स है ना। तो जो आपके कॉमन डाउट्स है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग को हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो ये वेटनरी का कोर्स है इसमें आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है वो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब उनको मिलेगी, बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब को साइड में रख दें एक मिनट के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेयरी इंस्टीट्यूट्स है, डेयरी फार्म्स है, कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना पोल्ट्री फार्म है, हैचरीज है। हैचरी क्या होती है, जहाँ पर जो अंडे हैं उनका जो पोल्ट्री फार्म्स है बड़े बड़े है ना, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज, वेटनरी पॉली क्लिनिक्स, एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग, जो एनिमल का फीड बनता है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर जो है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती है। यह क्या आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो ये जो सारी जगह है, डेयरी फार्म्स हो गए, डेयरी इंस्टीट्यूट ऑफ पोल्ट्री फार्म्स हो गए, और मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ एनिमल फीड, तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर रहता है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जॉब कहां कहां पर रहती है, तो गवर्नमेंट सेक्टर आल्सो हैज वैकेंसीज इन द नेम ऑफ वेटनरी असिस्टेंट सर्जन। तो मैंने आपको बताया कि वेटनरी के जो मेनली जो जॉब्स आती है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आती है, बट ऐसा होता है कि कई जगह है कि ऐसा है कि काफ़ी सारे स्टेट में अभी जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनका सेचुरेशन हो चुका है एक तरीके से, जो नई पोस्ट है वो नहीं क्रिएट हो रही है। इसके कारण क्या हुआ है कि काफ़ी सारे जो वेटनेरियन है उनको ऐसा लगता है कि अब वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, या फिर इस तरीके का उनमें ख्याल आता है कि अब वो अनएम्प्लॉयड हो गए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जॉब्स नहीं बची है किसी वजह से, वहाँ पर जॉब्स नहीं आ रही है, तो प्राइवेट सेक्टर में अभी काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल है। अगर आप चाहेंगे, अगर आप वेटनरी करा है आपने, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी सारी लिक्विडिटी जॉब्स मिलती है। और अगर आप जो है MBSC या फिर MBA कर लेते हैं, दैट इज़ अ मास्टर डिग्री कोर्स, तो अगर आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं देन आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो और बढ़ जाती है, आपकी जो सैलरी होगी और जो आपका स्कोप होगा आने वाले टाइम में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मास्टर डिग्री करना रिकमेंडेड है, अगर आपने बीवीएससी एंड एचके डिग्री करी है देन यू मस्ट डू अ मास्टर डिग्री। और जैसे आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, एमबीएससी कर लेते हैं, देन यू विल बिकम अ स्पेशलिस्ट ऑफ दैट फील्ड। और फिर वहाँ पर क्या होता है कि आपके लिए काफ़ी सारी कंपनीज है, काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल रहती है। तो यही था एक शॉर्ट सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया। और एक तो मैं आपको इसमें एक बात और बता दूं, वेटनरी सेक्टर में यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर इन प्राइवेट सेक्टर इफ़ यू कैन प्रूव योरसेल्फ एंड एम फॉर अ हायर स्टडी अपॉर्चुनिटी टू बिकम वाइड ओपन फॉर यू। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि अगर आप हायर स्टडी करते हो, मास्टर डिग्री करते हो, देन आपके लिए जो स्कोप है वो एक बहुत ही वाइड स्कोप है, ठीक है। यू कैन गो फॉर सिविल सर्विसेज ऑल्सो, सिविल सर्विसेज मतलब जो IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, बड़े बड़ी जो पोस्ट पर बनते हैं, जो भी पुलिस में भी जाते हैं, काफ़ी सारे वेटनेरियंस पुलिस सेक्टर में भी जाते हैं, तो उधर भी आप जा सकते हो गवर्नमेंट जॉब्स में। दूसरे जो PSC होती है, UPSC होती है और स्टेट PSCs होती है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। और वेटनेरियंस का काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 5 साल में पढ़ पढ़ के उनका जो दिमाग है वो काफ़ी एनालिटिकल हो जाता है, और इस तरीके से उनकी जो थिंकिंग लेवल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रेजुएट्स। तो अगर आप देखेंगे तो आप कहीं पर भी अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में जॉब नहीं आ रही थी उसका मतलब ये है कि जो वेटनेरियन है वो अनएम्प्लॉयड है ना। ज़्यादातर वेटनेरियंस को ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट में जॉब नहीं आ रही है तो वो अनएम्प्लॉयड है, बल्कि ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी हम अपने सीनियर्स वेटनेरियन को देखते हैं तो वो लोग जो भी प्राइवेट में भी गए हैं तो उनका भी अभी जो जीवन है वो बहुत ही शानदार चल रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और बात रही कि कैंपस प्लेसमेंट, तो कैंपस प्लेसमेंट जितना मुझे पता है तो ज़्यादातर कॉलेजेस में तो अभी अवेलेबल नहीं है, बट जो टॉप के जो कॉलेजेस है, जो टॉप 5 या फिर टॉप 3 कॉलेजेस है, वहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द वेटनरी कॉलेजेस डू नॉट हैव द फैसिलिटी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, तो अभी तो कैंपस प्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है ज़्यादातर कॉलेजेस में। पर अगर आप टॉप कॉलेजेस में जाते हो देन वो पुरानी पोस्ट है, वो अभी नई पोस्ट जनरेशन नहीं हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स आती है वो काफ़ी सालों में आती है, 5 से 6 सालों में रिपीट होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि कई बार वेटनेरियन को वेट करना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब आने के लिए।
तो इसलिए कई सारे जो काफी सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब जो है अभी खत्म हो गई या फिर बंद हो गई है वेटनरी माना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट थोड़ा टाइम जरूर लगता है, ये बात इससे मैं एग्री करूंगा। और दूसरी बात है कि प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर में आपको बता दूं मैं कि डेयरी इंस्टीट्यूट में और पोल्ट्री में और हैचरीज में अभी, और पॉली क्लिनिक्स की अगर मैं बात करूं, एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, तो यहां पर अभी जो प्राइवेट जॉब्स है वो अवेलेबल है बिल्कुल। अगर आपके पास बीबीएससी एनएच की डिग्री है, अगर आपने मास्टर डिग्री करी है, खास करके एक बात और आपको बता दूं कि मास्टर डिग्री अगर आपके पास है, मास्टर डिग्री है या फिर एमबीए अगर आपने करा है, तो मास्टर डिग्री और एमबीए करने के बाद आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज यू बिकम अ स्पेशलिस्ट ऑफ दैट फील्ड, है ना, यू बिकम अ मास्टर ऑफ दैट फील्ड। तो एमबीएससी और एमबीए करने के बाद आपकी जो सैलरी होगी और जो स्कोप होगा वो एक बीबीएससी ग्रेजुएट से ज़्यादा ही रहेगा, तो इसलिए रिकमेंडेड ये रहता है कि आप जो है बीबीएससी के बाद बीबीएससी करने के बाद मतलब वेटनरी का कोर्स करने के बाद मास्टर डिग्री भी करें, जिससे कि आपको जो स्कोप है और जो सैलरी है वो बहुत ही शानदार रहे। इसके बाद मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज जो होती है, तो सिविल सर्विसेज में जैसे कि पीएससी होती है, ठीक है, तो पीएससी के लिए भी काफ़ी सारे बच्चे तैयारी करते हैं, और वेटनेरियन का रिकॉर्ड जो है पीएससी में बहुत ही शानदार रहा है, मतलब कि जो 5 साल पढ़ के जो बंदा इतनी सारी मेहनत करता है, इतने सारे जो सब्जेक्ट पढ़ता है, तो उसका जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल हो जाता है, तो इसके कारण से यही जो उसको स्किल्स है वो काम आती है उसको पीएससी में भी, कि कोर्स को कैसे छाटना है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है, ये सब उसको काम आता है, उसके कारण वो अदर एंट्रेंस एग्जाम भी निकाल लेता है, तो इसलिए पीएससी में भी आप ट्राई कर सकते हो। दूसरी जो बात है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, मैंने आपको पहले बताया कि जो अभी पोल्ट्री इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, और जो एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है न्यूट्रिशन वाली, तो वहाँ पर अभी काफ़ी बढ़िया स्कोप चल रहा है, और वहाँ पर जॉब की कोई भी कमी नहीं है। अगर आपके पास डिग्री है, आपको स्किल है, आपके पास थोड़ी बहुत भी स्किल है, अगर आप एक बार एक्सपीरियंस ले लेते हो, 5-10 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, देन यू विल गेट अ गुड सैलरी ऑल्सो, ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जॉब की। हाँ, बट मैं ये जरूर कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें अभी एक तरीके से ये फेस चल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब आने में 5-6 साल लग जाते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब आती है, फिर 5-6 साल लग जाते हैं, फिर वापस से गवर्नमेंट जॉब आती है, तो 5-6 ईयर आपको वेट करना पड़ सकता है। बट प्राइवेट सेक्टर में अगर आप अपना हाथ आजमाते हैं, अगर आपके जो स्किल्स है वो बढ़िया रहते हैं, देन यू कैन मेक अ ग्रेट ग्रेट फ्यूचर इन द वेटनरी साइंसेस, ठीक है। तो जो लोग भी मुझसे पूछते हैं कि सर कैंपस प्लेसमेंट होता है क्या, तो उसका क्लियर आंसर है नो, देयर इज नो कैंपस प्लेसमेंट इन वेटनरी साइंसेस। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गारंटी ऑफ जॉब, तो गारंटी ऑफ जॉब यही है कि आपको जॉब तो लग जाएगी प्राइवेट सेक्टर में, बट उसमें आप कितना कमाते हैं, कितने आपके स्किल्स है, वो सब आपके ऊपर इंडिविजुअल बेसिस पर डिपेंड करता है वो, ठीक है। जॉब आपकी लग जाएगी, कोई भी वेटनेरियन ऐसा नहीं है जो आज की डेट में अनएम्प्लॉयड हो, अनटिल एंड अनलेस कि उसने जो पूरी डिग्री में अगर कोई भी मेहनत नहीं करी होगी तो फिर वो अनएम्प्लॉयड रहेगा, बट अगर उसने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है, कोई भी उसके स्किल्स है बढ़िया, देन उसके पास नौकरी तो रहेगी रहेगी, ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात जो है गवर्नमेंट जॉब्स की, तो मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट जॉब का यही है कि कई कई स्टेट में तो आती रहती है जॉब्स, कई स्टेट में जॉब्स नहीं आती है, तो वो भी डिपेंड करता है कि आपका स्टेट कौन सा है, ठीक है। तो अगर आपका स्टेट ऐसा है कि वहाँ पर जो है डेयरी सेक्टर बहुत बढ़िया चल रहा है, पोल्ट्री बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पर तो जॉब आएगी, बट काफ़ी सारे स्टेट ऐसे जहाँ पर अभी गवर्नमेंट जॉब काफ़ी सालों से नहीं आई है, तो इसलिए वहाँ पर जो वेटनरी डॉक्टर्स है वो कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार इस तरीके से सोचते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। प्राइवेट सेक्टर में अभी काफ़ी बढ़िया स्कोप है, और अगर वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर काफ़ी सारे वेटनेरियन जो है वो टॉप टॉप पोजीशन पर भी बैठे हुए हैं, एकदम जो जो कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर में वहाँ पर जो टॉप पोजीशंस पर है वेटनेरियन बैठे हुए हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि जॉब नहीं है। तो अगर आप में स्किल्स है, वो इंडिविजुअल जो मैंने आपको बताई की बात, अगर आप इंडिविजुअली आप कैपेबल है, आप अगर आपने मेहनत करी है, आपकी स्किल्स पर आपने काम करा 5 साल में, देन यू विल गेट अ जॉब, श्योरली आपको कहीं ना कहीं तो जॉब लगी जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है दिक्कत वाली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। और इसी के साथ मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग जो है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनएकेडमी की तरफ से आप सभी लोग के लिए अभी एक जो प्लस कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, इसमें कि क्या होता है जैसे कि आपको अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको उसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। अनएकेडमी की तरफ से एक तो फ्री लाइव क्लासेज होती है और एक होती है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे
तो देखो फ्री क्लासेस तो वो जो फ्री में आपको मिलती है, तो उसमें आप सारे एजुकेटर्स के फ्री क्लास तो देख ही सकते हो। उसके अलावा होता है एक सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा फीचर क्या मिलेगा, आप सब्सक्रिप्शन आप क्यों लोगे, एक्स्ट्रा फीचर जो मिलता है अकेडमी के सब्सक्रिप्शन में उसके पीछे क्या रीज़न है। तो आपको यहाँ पर जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो उसमें आपको मिलता है एक कोचिंग टाइप एनवायरमेंट, जैसे आप कोचिंग जाते हो वैसे आपको एनवायरमेंट मिलता है। वहाँ पर आपकी बैच बनती है और जितने भी टॉप एजुकेटर्स है उन लोग से आपके कॉन्टैक्ट रहते हैं, डायरेक्टली आप टॉप एजुकेटर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और वहाँ पर आप लोग को मतलब ऐसा रहेगा कि PDF फॉर्मेट में आपको जो है स्टडी मटेरियल मिलता है, और यहाँ पर आप देख रहे हो सारे फीचर लिखे हुए भी है। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, इसी के साथ साथ राइटिंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, है ना। तो ये सारे जो एक्स्ट्रा फीचर है ये आपको मिलते हैं किसमें, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। जब आप प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको प्राइजिंग मिलती है। जैसे कि अगर कोई 40,000 का कोर्स है, सपोज करो कि कोई 40,000 का कोर्स है वो आपको लेना है, ठीक है, और आप अगर मेरा कोड लगाओगे Arpit10, ARPIT10 Arpit10 अगर आप मेरा कोड लगाओगे तो आप लोग को वहाँ पर डायरेक्टली 4,000 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा, एंड यू विल गेट दैट कोर्स एट 36,000, ठीक है। तो ये जो आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आप मेरा कोड लगाओगे Arpit10 ARPIT अन अकेडमी के कोई भी कोर्स पर, ठीक है, भले से वो ITJE का है, नीट का है, क्लास 10th का है, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का है, कोई भी आप कोर्स पर अगर मेरा कोड लगाओगे Arpit10 देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, तो अन अकेडमी की तरफ से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है। तो आइकॉनिक में आपको क्या मिलता है, आइकॉनिक में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, जैसे कि आपको पर्सनल मेंटर मिलते हैं जो आपको पर्सनली गाइड करते हैं, आपसे पर्सनली बात करते हैं कि भाई क्या क्या दिक्कत है आपको, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो पर्सनल हमको मेंटर जो है मिलते हैं। इसके साथ आपको मिलते हैं लाइव डॉट क्लियरिंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट्स, मतलब आपके वीक में आपने क्या प्रोग्रेस करी है, क्या आपके डाउनफॉल्स क्या रहे हैं, क्या आपकी दिक्कतें हैं, उस पर अपन डिस्कशन होता है, आपका पूरा वीकली रिपोर्ट आपकी मिलती है। पेरेंटल कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल अदर बेनिफिट्स ऑफ एन अकेडमी प्लस ऑल्सो, ठीक है। तो आइकॉनिक में आपको ये एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, पर्सनल मेंटर, स्टडी प्लानर, वीकली रिपोर्ट्स, ये जो फीचर ये आपको प्लस वाले में नहीं मिलेंगे, ये आपको आइकॉनिक में मिलते हैं, ठीक है। आइकॉनिक का जो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप लोग इसमें भी जो है, जैसे 40,000 का कोई कोर्स है, 40,000 का कोई कोर्स है, तो उसमें अगर आप मेरा कोड लगाओगे Arpit10 देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट, डायरेक्टली आपको 36,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। Arpit10 जो है मेरा कोड है, मैंने आपको बताई दिया पहले भी, Arpit10 मेरा कोड है, आप सभी लोग लगा सकते हो और आपको जो है 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा अन अकेडमी की किसी भी कोर्सेज पर, ठीक है। तो दिस कैन बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी जो है टाइम चल रहा है ऑनलाइन का, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हो देन आई थिंक सो अन अकेडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिस पर आप अभी पढ़ सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न है कि यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो भी जितने भी यहाँ पर अपने अपने फील्ड के टॉप लोग हैं वो लोग यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं, ITJE, जो नीट क्रैक करे हुए लोग हैं, जिन लोगों ने गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाली है, जो ऑलरेडी वो कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो, तो आप अगर आप उनसे सीखोगे देन इट विल बी बेस्ट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड, बाय बाय।